Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण तांग कथा।
कि हे नंद बाबा, आपके ये पुत्र हर युग युग में आता है, ये हर युग में अवतार धारण करता है, ये शुक्ल रक्त तथा पीत, ये शुक्ल वर्ण सत्य युग में शुक्ल वर्ण के रूप में आता है और त्रेता युग में रक्त वर्ण के रूप में आता है, और जब कलियुग होगा उसी कलि काल में ये पीत वर्ण अर्थात श्रीमद महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि के रूप में ये अवतीर्ण होगा। और यहाँ पे पहले ही बता रहे हैं गर्गाचार्य, यहाँ पे प्रमाण मिलता है, गुरुदेव बता रहे थे कि श्रीमद महाप्रभु से जब कलियुग में आएंगे ये द्वापर युग में ही गर्गाचार्य पहले ही ये भागवत जी में लिखा है कि श्रीमद महाप्रभु आएंगे शुक्ल रक्त तथा पीत, जो पीत वाले वो महाप्रभु के जो स्वरूप महाप्रभु के जो वर्ण है वो पीत वर्ण स्वरूप पीत वर्ण कलिपावन वर्ण जो महाप्रभु है कलिजुग को पावन करने के पीत वर्ण रूप धारण करके आएंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो शास्त्र की बात है, भगवान जितने भी अवतार ग्रहण करेंगे और कर चुके हैं ये सब शास्त्र में उल्लेख किया गया है। इसके अगर आगे हम देखेंगे तो आगे ठाकुर जी कल की अवतार अभी तक लिए नहीं और कल की अवतार लेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भगवत जी ने स्वयं लिखा हुआ है कि क्या मैं सुवर्णपुर को संबलपुर के गाँव में एक विष्णुजस नाम का एक ब्राह्मण के घर में ठाकुर जी कल की अवतार ग्रहण करेंगे, कल की अवतार लेंगे। और बुद्ध अवतार के बारे में गुरुदेव बताया कि किस प्रकार बुद्ध अवतार उनके माता अंजना होंगे और बुद्ध अवतार में, तो ये सारे के सारे जो चीज है ये शास्त्र में लिखा गया है, पहले से ही उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इदानीम कृष्णकाम तथा ये युग युग में चार युग में विशेष करके युग युग में ये अवतार ग्रहण करते हैं, शुक्ल जो हुए तो सत्य युग में और रक्त जो वर्ण है वो त्रेता युग में, पीत वर्ण जो कलि युग में, और इदानीम कृष्णकाम इसी युग में ये कृष्ण वर्ण के रूप में आए हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका जो बहुत सारा नाम है फिर भी इनका ये कृष्ण नाम क्यों रखे, तो बोल रहे कृष्ण अर्थात ये नील मणि स्वरूप है, कृष्ण अर्थात एक अर्थ से कृष्ण अर्थात जो कृष्ण वर्ण अर्थात काले वर्ण का है, तो ब्रह्मा जी जो स्तुति करते श्लोक में तो यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि जो मेघ का जैसा ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो मेघ का जैसा, और मेघ में जिस समय में पूरा बहुत सारा जल एक साथ क्या होता है ना घनीभूत होके उसका जो वर्ण होता है, और ये जल का दूसरा नाम बताया थे गुरुदेव कृपा, तो ये ठाकुर जी उसी स्वरूप की कृपा के स्वरूप है, ठाकुर जी बहुत सारा दया के स्वरूप है। इसके आगे गुरुदेव बताए थे कि जैसे जिस प्रकार बारिश होता है और वर्षा काल में बारिश हर जगह पे होता है विचार नहीं करता, अपवित्र पवित्र का विचार नहीं करता, उसी प्रकार ठाकुर जी भी विशेष रूप में अपने इस जगत में आते हैं कृपा करने के लिए भक्त लोगों को। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है ये कृपा कहाँ पे टिकता है, इस प्रकार जो गड्ढे रहता है उसी प्रकार उसमें पानी रहता है, इसी प्रकार भक्त और दीनहीन जो भक्त होते हैं जो शरणागति भक्त होते हैं उनके हृदय में ठाकुर जी की पूर्ण का पूर्ण मात्रा में ठाकुर जी उनको कृपा करते हैं। फिर बोलते हैं कि प्रागयत वासुदेवस्य क्वचित् जातत्वात्मज वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्यते, कि प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित् जातत्वात्मज कि हे नंद बाबा तव आत्मज ये आपका ही बेटा है, और कभी कभी ये वासुदेव का भी बेटा हुआ, ये एक भागवत जी में प्रमाण दे रहे हैं कि कृष्ण के किस प्रकार नंद नंदन है, ये प्रमाण दे रहे हैं कि यहाँ पे गर्गाचार्य स्वयं बोल रहे हैं कि तब आत्मज अर्थात ये जो कृष्ण है ये तुम्हारा ही बेटा है, कृष्ण जो है ये तुम्हारा ही बेटा, ये कभी कभी वासुदेव के भी बेटा हुआ करता था, वासुदेव इसी सीमान अभिज्ञ संप्रचक्यते। फिर बोलते हैं कि बहुनी शक्ति नामानि रूपाणि च सुदस्यते गुणकर्माणि रूपाणि दान्यं देदनो जनाः, इसका बहुनी शक्ति नामानि इसका बहुत सारे नाम है, और किस प्रकार का नाम है गुणकर्माणि रूपाणि कि गुणकर्माणि रूपाणि कि इनके रूप के अनुसार इनको गुण के अनुसार इनके जो लीला इनके जो कर्म के अनुसार एक एक गुण कर्म लीला के अनुसार इसका बहुत सारा नाम है, कारण हम वेदनोजना एक दृष्टि से यहाँ पे गगाचार्य बोल रहे हैं कि कारण हम वेदनाजना जिसको वेद भी नहीं जानते, और दूसरे अर्थ से बोल रहे हैं कि ये मैं
वास्तव में तुम लोग नहीं जान सकते, ये मैं जानता हूँ कि इनका बहुत सारा नाम है। तो यह बता रहे कि यशोमती माया मतलब यहाँ सोच रहे हैं कि बहुनी शांति नामान, गुरुदेव बता रहे थे कि यशोदा माया यहाँ सोच रहे हैं कि इनका बहुत सारा नाम है, नाम रूप और क्या गुण कर्मानुरूपन की गुण कर्म रूप के साथ इनका बहुत सारा नाम हुआ, तो बहुनी शांति, तो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है जो मेरे लाला का बहुत सारे बहू हो, इसके हमारे घर में बहुत सारा बहू आएंगे। तब यशोमती माया बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अब ये परिवार चलने कुछ काम के बाद बताए, क्योंकि हमको मुझे तो बहुत चाहिए, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अभी लाला बहुत सारा शादी करेंगे और हमको अभी बहू, अभी मन में मन सोच रहे हैं कि हमारे तो 9 लाख गाय है, उसको कमाने वाले कोई नहीं, बहुत सारे बहू भी जब आ जाएंगे किसी किसी पार पार कर देंगे, इसी इतना गाय को इतना बहू लोग मतलब संभालेंगे। तो ऐसा ही हुआ जो इसको बाद में तुम लोग भी बोल सकते हो, इसको बाद में ये पंडित जी प्रभु जी आप कुछ बोल सकते हो, हाँ सब बोल दो, उसके बाद जितना याद उतना बोल है, याद याद नहीं उसके बाद में याद है, बोल बोल दो ये पढ़। हरे कृष्ण, उन्होंने जैसे बताया गर्गाचार्य जी ने बहुनी संति नामानी कि ये जो तुम्हारा लाला है इसके बहुत सारे नाम होंगे, लीला के अनुसार गोविंद दामोदर गिरिधारी अनेक नाम होंगे, लेकिन यहाँ पर जो यशोदा मैया अनंत बाबा ये सब भोले भाले लोग इनको इतनी संस्कृत इतना सब समझ में नहीं आ रही, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सोच रहे कि बाबा इधर उधर की बहुत सारी बात इन्होंने बता दिया, ये होगा वो होगा ऐसे करेगा वैसे करेगा, इस युग में आया इस युग में आया, कुछ काम की बात नहीं बता रहे, हमें क्या फायदा। जैसे बता रहे थे जो माता जी लोग होते हैं उनका अक्सर क्या होता है कि जल्दी जल्दी बेटा बड़ा हो जाए, जल्दी से उसकी बहू आ जाए तो वो काम संभाले हमें छुट्टी में से, इसीलिए यशोदा मैया जब ये सुन रही है बहुनी संति नामानी तो वो सोच रही है, या कोई कोई कथाकार बड़ा सुंदर या वर्णन करते हैं बहुनी संति नामानी का, बताते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र है इसकी बहुत सारी बहुएं होंगी, उनके बहुत सारे नाम होंगे, जिसको सुनकर के यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है, हमारे घर में तो कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, बहुत क्या कितनी बहुएं आए, बहुत सारी गाय है, 9 लाख गाय है, सब अपना अपना गाय संभालो और अपना घर गृहस्थी चलाओ और क्या चाहिए, इसलिए यहाँ पे यशोदा मैया बहुत खुश हो रही है सुनकर के। और यहाँ बताया और इसमें कभी गलत भी बात नहीं है, बहुनी संति नामन इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण की ब्रज में देखो तो कोई कोई कहते 300 करोड़ 100 करोड़ कृष्ण की गोपे हैं, और जब कृष्ण मथुरा गए तो वहां कृष्ण ने 16108 रानियों से विवाह भी किया, तो ये बहुनी संति नामानी थी, बात सत्य भी है कि कृष्ण की बहुत सारी बहुएं भी हुई। तो इस प्रकार बताते बताते अब मैया बहुत प्रसन्न हो गई सुन करके कि हाँ चलो अब बढ़िया इसकी बहुत सारी बहुएं होगी, ये बढ़िया भविष्यवाणी कि जो श्री ये जो बाबा है इन्होंने कर दी गर्गाचार्य जी ने। तस्मात नंद आत्मजम नारायण समगुणे, इसमें बताया ये श्लोक के अंदर बताया कि ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पुत्र है, ये पुत्र तो तुम्हारा ही है, ये आपका ही पुत्र है, ये श्लोक बता देता है कि ये जो कृष्ण है ये किनके पुत्र है, ये नंद बाबा के ही पुत्र है, लेकिन कभी कभी इसमें नारायण के गुण भी प्रकाशित होंगे, कभी कभी नारायण के गुण भी इनके अंदर में प्रकाशित होंगे, जैसे जब गोवर धारण किया, जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठा लिया, 7 साल का बालक 7 कोसा गोवर्धन 7 दिन तक उठा करके रखा, ये साधारण बात तो है नहीं, जब गिरिराज जी को धारण किया तो सारे ग्वाल का नंद बाबा के पास में आकर कहते हैं, बोला बाबा ये तुम्हारा बालक तो शायद भगवान है, बोला तुम इसके कान खींच देते हो, उसको डांट देते हो, उसको डांटा मत करो, ये तो तुम्हारा भगवान है, पूजा किया करो, वह नंद बाबा जो है जोर जोर से हंसने लग जाते, बोला तुम सब बुढ़े बुढ़े यहाँ पर आ गए, बोला सच में लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सब सहिया करते, क्यों, बोला ये तुमने देखा कि इसने गोवर्धन उठाया, पर तुमने पता नहीं घर में क्या क्या करता है, मुझे पता है कि कितनी शैतानी करता है, कि झूठ बात बात पे झूठ बोलता है, कभी ये करता है कभी वो करता है, मक्खन चुराता है, पर इससे जब मैं बोलता हूँ खाना जरा मेरी खड़ाव ले आना तो ये खड़ाव तक खा नहीं पाता है, सिर पर रख करके बड़ी मुश्किल से लेकर के आता है, ये क्या गिरिराज जी उठाएगा, वो तो जब गर्गाचार्य जी आए थे उन्होंने बोला था नारायण समगुणे, ये जो तुम्हारा पुत्र है इसमें नारायण के कुछ कुछ गुण है, तो वो नारायण इसके अंदर में आकर के गिरिराज जी को उठाया, इसलिए क्या गिरिराज जी को उठाएगा, ऐसे नंद बाबा
और यशोदा मैया इनका शुद्ध वात्सल्य है। इनमें कितना भी ऐश्वर्य होने पर इनके सामने ऐश्वर्य नहीं दिखता, माधुर्य ही हमेशा यहाँ पर अव्वल आता है। तो इस प्रकार जो है नंद बाबा जो है वह सारे ब्रजवासियों को समझाते हैं और ये नारायण संगुणी और सर्वनाम चमत्कार और इसमें बताया नारायण, नारायण के अंदर जो गुण है उसमें कृष्ण के अंदर चार गुण ज्यादा है। इसमें ये बताया नारायण संगुण, जिसका अर्थ बताया कि नारायण के गुण उनके अंदर में होंगे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि कृष्ण के जो बहुत सारे, तो कृष्ण में तो सारे ही गुण है लेकिन इनके अंदर कुछ गुण नारायण जैसे भी है, लेकिन इनके नारायण से हटकर भी चार गुण अलग है, जैसे सर्व चमत्कारिता, वंशी माधुरी, गुप्त माधुरी, लीला माधुरी, और जैसे बताया जैसे नारायण भगवान सभी में एक गुण होता है हंतारी गतिता है, जिसको भगवान मारते उसको गति प्रदान करते नारायण नाम आदि सभी, लेकिन जो गति कृष्ण प्रदान कर सकते हैं वो गति अन्य अवतार नहीं प्रदान कर सकते। जैसे कृष्ण ने उतना को और कालिया को निज धाम वृंदावन गोलोक के अंदर, हाँ गोलोक के अंदर स्थान दे दिया, उतना को धात्रोचित गति दी, कालिया को वहां पर बोला जब जब भी हमें विहार करने का मन होगा हम आपके ऊपर बैठ कर यमुना जी में विहार करेंगे। तो ये जो गति प्रदान करी है कृष्ण ने, ये ऐसी गति प्रदान करना हर किसी के साथ संभव नहीं है, ये कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता को यहाँ पर दर्शाता है। तो नारायण के कुछ कुछ गुण होंगे पर इसका असली अर्थ ये है कि कृष्ण के कुछ गुण नारायण में प्रकाशित होंगे। और इसके बाद एक और श्लोक आया जिसमें बताया श्रेया कीर्तन भावेना, इसमें बताया कि इसके जो तुम्हारा ये जो पुत्र है इसकी बहुत श्री कीर्ति, बहुत श्री कीर्ति सारे जगत में होगी। इसका दूसरा अर्थ बताते हुए हमारे टीकाकार यहाँ बताते हैं कि यहाँ गुप्त रूप से राधा रानी का नाम यहाँ पर बताया गया है। श्री कीर्ति, श्री का अर्थ यहाँ पर है श्रीमती राधा रानी, और कीर्ति, कीर्ति का यहाँ अर्थ है कीर्ति का भैया जो राधा रानी की माता जी है। कृष्ण की माधुरी लीला को भी ये बता रहे हैं, कृष्ण की माधुरी लीला को बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य से ज्यादा मधुर लीला आकर्षक होती है, इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण की मधुर मधुर लीला का अब वर्णन यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़े दिन पहले कृष्ण ने करवट ली थी, तो घुटने घुटने चलने लगे, अब कृष्ण घुटने घुटने चलने लगे। जब करवट ली थी, जब 3 महीने की कृष्ण थे, जब शक्तासुर आ गया था, जब यशोदा मैया ने उत्सव किया था, अभी कृष्ण घुटने घुटने चलने लगे हैं। जानू ज्ञान कृष्ण घुटने घुटने चलने लगे हैं, और इसमें एक श्लोक जैसे सांप रेंग करके चलता है कृष्ण उसी प्रकार रेंग करके चलते हैं। और जो ब्रज का जो गोबर कीचड़, जैसे गांव में जैसे हमारे पीछे गौशाला, जैसे गांव के अंदर उसको लीपते हैं ना, गाय का गोबर होता है, कीचड़ होता है, ये कृष्ण जो है घुटने घुटने रेंग रेंग करके जैसे सांप चलता है उस प्रकार से चलते हैं। तो जो कृष्ण और बलराम जो है वो इस प्रकार से चलते, पूरा कीचड़ और ब्रज का जो पूरा गोबर गाय का सब उनके ऊपर में लग जाता है। यहाँ पे जो है कृष्ण और बलराम यहाँ पर ये जो ब्रज की धूल है इसकी महिमा का यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस प्रकार से इसकी महिमा है। एक बार जो कृष्ण है और कृष्ण बलराम को यशोदा मैया ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार करके और उनको बिठा दिया, दोनों खेलने लगे, मैया अपना काम करने लगी। और जब थोड़ी देर बाद आकर ने देखा तो दोनों बहुत शैतान बच्चे, बहुत बहुत शैतानी करते दोनों के दोनों, आकर ने देखा तो कीचड़ में एकदम काले बलू के गोबर के पूरा गोबर से गोबर मूत्र से सने हुए, ये सब क्यों किया? उन्होंने बोला कि मैया जब भी हमें कुछ राक्षस आ जाता है, कुछ भी आता है, तो मैया हमें गोमूत्र से स्नान कराती है, गोबर से स्नान कराती है, इसका मतलब इसके अंदर बढ़िया बात है। मैया ने जब तैयार करना क्या जाकर गोबर में लोट पोट खा करके आ गए। और मैया कहती है कि तुम ऐसे बच्चे हो, इतनी गंदगी में खेलते हो, क्या तुम पिछले जन्म में सुअर थे? तो दोनों बच्चे खूब जोर जोर से हंसने लगते, बोले भैया को कैसे पता चल गया कि हम पिछले जन्म में सुअर थे? अब पिछले जन्म में सुअर थे कभी कभी तो कृष्ण बलराम अवतार तो लिया ही था। वो कहते हैं कृष्ण बोले क्या सुअर थे? तो ना नहीं करते, ऐसे ऐसे करके हाँ करते। माँ बोलती कितने शैतान बच्चे है, दोनों को अंदर ले जाकर फिर दोनों को सफा साफ करते हैं। और यह ब्रज की जो धूल है, यह ब्रज की धूल साधारण नहीं है, इस बात को यहाँ पर दिखाया, धूलि नहीं धूला नहीं गोपी पद रहती है। बंगाल में बड़ी सुंदर ये कहावत बोली जाती है, जो ब्रज की घास जो कृष्ण बछड़े बनकर दिखते हैं, ये जो ब्रज की धूल का बहुत महिमा, क्यों? क्योंकि ये ब्रज की धूल में घास और उसको कृष्ण क्या कर रहे हैं, जब कृष्ण जब
ब्रह्म भी मोहन लीला हुआ जब सारे के सारे बछड़े और ग्वालवाल कौन बन गए, कृष्ण ही बन गए। और जो बछड़े हैं वो क्या खाते हैं, कोमल कोमल घास खाते हैं, तो ये जो घास को कौन स्वयं खा रहे, कृष्ण ही खा रहे हैं। इसीलिए इस ब्रज को ब्रज की धूल ब्रजरज की बहुत महिमा है, इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि और जैसे बताया उद्धव ब्रह्मा जी आदि सिर पर धारण करने के लिए वहां पर प्रार्थना करते हैं। सब माता अभी जो सारी की सारी माता है वो कृष्ण की, ये सारी जो जितनी भी कृष्ण लीला करते हैं चंचल है बहुत ज्यादा, जाके घरों में चोरी करना, झूठ बोलना और ये सब काम करना, इसको देख करके सारी माता जी बड़ा आनंदित होती, देख करके उनको बड़ा आनंद आता है, ताली बजा बजा करके क्यों रे क्या कर रहे हो रे, माता जी लोग ऐसे बच्चों को आनंद लिया करती थी। लेकिन और ये दोनों भाई कैसे लगते थे पूरे ब्रज में, जैसे एक सूर्य और एक चंद्रमा, एक श्यामवर्ण और एक गौरवर्ण, दोनों की दोनों बच्चे सारे ब्रज में घूमते और एक अनोखे अनोखे लीला को करते और सारी जो माता उसको देख करके आनंदित होती और भाग जाती, जब सारी माता पकड़ने के लिए कभी आती तो भाग जाती। ब्रज की सारी माता तो इन लीलाओं का आनंद लेती है लेकिन यशोदा मैया नहीं ले पाती क्योंकि वो तो घर के अंदर, इसीलिए ये जो सारी गोपियां हैं ये क्या करती है, बहाना लेकर के उल्हाना ले लेकर के जाती है, उनको बताती है कि देखो यशोदा मैया आज कृष्ण ने ये किया और बलराम जी ने ये किया। और माँ जो क्या करती है दोनों बच्चों के पैरों के अंदर है ना, दोनों के जो पांव है उनमें छोटे छोटे घुंघरू पहना देते हैं, हाथ के अंदर पहना देते हैं, जैसे बच्चों को गांव में सजाते हैं लेकिन सजा देती है। जब कृष्ण छम 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 करके चलने को बड़ा आनंद आता है कि आवाज कहाँ से हो रही है, इधर उधर देखते हैं और आनंदित होते हैं, बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार मीठी मीठी लीला ये सारे के सारे कृष्ण करते हैं। यहाँ पर बताया एक श्लोक के अंदर बताया, यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित देखो कृष्ण कैसी मीठी मीठी लीला यहाँ पर कर रहे हैं। विष्णु चौधरी ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो परीक्षित और शुभदेव गोस्वामी जी ने ये साक्षात दर्शन कर सुन नहीं रहे हैं, साक्षात दर्शन कर रहे, वरना ऐसे कौन बोलेगा कि देखो देखो कृष्ण ने वो करा वो कर, इसका मतलब दोनों ही वहां पर देख रहे हैं साक्षात इन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। पदम विश्वास कीचड़ में भी जो कृष्ण और सुंदर लग रहे हैं, किसी व्यक्ति को कीचड़ लगा दो थोड़ा काला लगा दो तो वो उसकी सौंदर्यता कम हो जाती है, लेकिन यहाँ कीचड़ करने पर भी कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ करके आ रहा है। किसी भी अवस्था में वो कृष्ण सुंदर से सुंदर ही होते चले जाते, जैसे कोकोलिया पेड़ हाथी था कंस का हाथी है जो जरासंध ने दहेज में दिया था, हाथी बड़ा खतरनाक था लेकिन कृष्ण मथुरा में गए तो उस हाथी को मारा तो उस हाथी के खून से कृष्ण लाल एकदम खून से सन गए, लेकिन उसको सनने के बाद में भी कृष्ण जो है वो बहुत सुंदर वहां पर नजर आ रहे हैं। कृष्ण के भूषण भूषणांगम तत्पदम भूषण भूषणांगम, कृष्ण के पास कृष्ण से जो भी चीज कॉन्टेक्ट में आती है स्पर्श में आती है वो सुंदर से सुंदर हो जाती है। साधारण जगत में जो भूषण है वो उस व्यक्ति को भूषित करता है, लेकिन कृष्ण क्या करता है भूषणों को भी भूषित करता है, अलंकार को भी जो शोभा को बढ़ा देते हैं, ऐसे कृष्ण का रूप है। इस प्रकार ब्रज की गोपी काम काज छोड़ करके सारे के सारे लीलाओं में मगन हो जाती थी। कृष्ण थोड़े बड़े होने लगे और बलराम जी जो है वो कृष्ण से 15 दिन बड़े हैं, दोनों इतने चंचल थे कि दोनों बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल था, दोनों माँ रोहिणी माँ और यशोदा मैया कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकती, दोनों में से एक को उनको निरंतर देखना होता था, कभी बछड़े के सिंह पकड़ लेते थे, कभी आदू की ओर पड़ते, कभी सांप पकड़ने दौड़ते, कभी कुत्ता कभी चिड़िया इस प्रकार, कभी तलवार पकड़ते माँ पकड़ती शैतानी करते, बहुत चंचल ये बच्चे थे। कृष्ण का ये सब लीला दर्शन होता लेकिन गोपियां घर जब ये मैया सब देख नहीं पाती थी तो गोपियां दादा के घर में उलाना देख करके बहाने से सारी की सारी बातें बताती थी। कृष्ण कभी कभी बछड़ा भी खोल देते थे। अब आगे की कथा गौर ब्रह्मानंद श्याम सुंदर रूप बोले कुछ पढ़ करके आए हो, आ जाओ 2 मिनट बोलो थोड़ी सी जितना पढ़े आ जाओ। इन्होंने जो बच्चों को जो सेमिनार दिया प्रभु जी ये इसको मैंने कहा थोड़ी सी यूट्यूब में थोड़ा देख कर पढ़ कर क्या थोड़ी थोड़ी पढ़ बोलो फिर आपको बोलने का आदत बढ़ेगी साहस भी होगा। बोलो भाई बात मैं सो करता हूँ तो बात करने के चरणों में उनको निर्णय करना प्रभु दे जब तेरा हम उसका हूँ उसमें पहला सुपर प्रसिद्धि में पंती उदाहरण से मैं उसे मिला है मैं जब तेरा हम उसका हूँ उसमें पहला सुपर प्रसिद्धि वो उसे कांति वाला प्रभु दे चरणों में उनको निर्णय करना ऊपर
प्रति सभी का समझता हूँ, अनंत को भी समझता हूँ। गुरुदेव ने आगे दिया कि थोड़ा तो क्लास हुई थी उसके बारे में कुछ बताने की, तो कुछ कर तो पाने लगी थोड़ी जल्दी में अभी ठीक क्या। तो प्रभु जी ने पहले दिन जो बताया ना कि भगवान को जाना कैसे जा सकता है, उसके तीन प्रणाम समान है, एक तो सब प्रणाम, एक प्रत्यक्ष और एक सब प्रणाम। तो प्रत्यक्ष प्रणाम के लिए लेकिन हम जान तो सकते हैं, लेकिन उसमें भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। प्रभु जी ने जैसे कुछ चित्र दिखाए थे उसमें इतना भ्रम था कि हम पहचान नहीं करते कि उसमें है क्या। तीन चार उसमें दिखाया था कि चक्र है वो घूम रहे हैं लेकिन वो स्थिर थे, तो भ्रम थे लेकिन वो घूम नहीं रहते स्थिर थे। इसलिए सब जो है और अनुमान अनुमान। तो उसके बाद जो इंद्रिया है मतलब सेंस, उसके बारे में प्रभु ने बताया कि सेंस हम सेंस के द्वारा पहचान सकते हैं लेकिन उसमें भी धोखा हो सकता है। अब जिस तरह से प्रभु ने बताया कि कोई मीठा पदार्थ अगर पहले खा लो, हम कुछ मीठा खा लेंगे और फिर उसके बाद मीठा खाएंगे तो वो कम मीठा लगेगा, और कुछ कड़वा खा लेंगे उसके बाद मीठा खाएंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा। तो यहाँ भी उसी बात हो, यहाँ भी ये फेल हो जाएगी अपनी शैली में। और इसी तरह से दृष्टि का दिखाया था प्रभु जी ने कि जो हमें दृष्टि करता है जो दिखता है वो सही नहीं है, तो मैं थोड़ा सी देख पाया हूँ कल अच्छी तरह से पढ़ के यार बढ़िया उसको उसको गहरा से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे अच्छे तरह से खुद समझना पड़ेगा फिर बोलना ठीक। और ओम ज्ञान तिमराम जस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्णा बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बाललीला लीलाओं को कर रहे थे, इसलिए हमारे ब्रह्म सूत्र में एक श्लोक बताया गया लोकवत लीला कैवल्यम। जैसे साधारण एक बच्चा लीला करता है ठाकुर जी ठीक वैसे लीला करते हैं। बोले क्यों? बोले अनुग्रह है भक्तानाम, अपना भक्तों को आनंद देने के लिए। और विशेष करके जैसे छोटा बच्चा जैसे लीला करता है जैसे घर में नटखट करता है, जब भगवान ऐसे करते हैं ना वो कथा सुनकर हम बड़ा आनंद लगता है। क्यों? घर में हम भी देखते बच्चे घर भी ऐसे नटखट को बच्चा भी घर में नटखट करता है, इसलिए कृष्णा भी ठीक वैसे ही नटखट लीला कृष्ण कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, एक बछड़ा सो रहा था और कृष्ण धीरे धीरे गए। अभी तो थोड़ी थोड़ी केवल कृष्ण ही चलना सीखा, ज्यादा चलना नहीं सीखा, और जाकर उसको पूंछ को पकड़ लिया। अरे पूंछ पकड़ते ही बछड़ा तो खड़ा हो गया, खड़ा होकर बछड़ा भागने लगा, लेकिन कृष्ण अपना हाथ नहीं छोड़ रहे हैं और घिसड़ते घिसड़ते घिसड़ घिसड़ जा रहे और डर से हाथ ही नहीं छोड़ रहे। इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिया,
इतने में मैया जो गोपियां दौड़ करके आगे, बोले क्या हो गया? देखा कृष्ण उसको पूछ पकड़ करके रखे और बछड़ा भाग रहा है और कृष्ण घिसड़ते घिसड़ते जा रहे। फिर किसी तरह से कृष्ण को वहां से छुड़ा करके लाए। तब कृष्ण को बोलते हैं, क्या तू इतने कमजोरी हो और तेरे को बछड़े घिसड़ते घिसड़ते ले गया? कहते कृष्ण जो गिरिराज को जो उठा सकता है, छह दिन में जो पुतना को मार सकता है, लेकिन आज ठाकुर जी एक छोटे बछड़े को भी रोक नहीं पाते। क्यों? कहते केवल भक्तों को ये आनंद देने के लिए। कृष्ण जब ऐसे सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे, लेकिन गोपियां सोच रही हैं ये लीला को तो कृष्ण हमारे घर में आकर कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी मैया और जसोदा ये आनंद को ले नहीं पा रहे। इसलिए गोपियां क्या करती हैं, इनके घर में आते हैं, आकर के मैया जसोदा और रोहिणी को जोर जबरदस्ती नहीं सुनने पर भी उनको जो काम करते हुए होंगे ना, उनके काम से छुड़ा देते। बोले बैठ कर सुना, तेरे लाला हमारे घर में कैसे कैसे नटखट करता है, कैसे कैसे लीला करता है, इसको तो सुना। इसलिए उनको जोर जबरदस्ती उनको कृष्ण की बाल्य चरित्र को सुनाती है। बोले क्या सुनाती है? तब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर एक दो श्लोक में वर्णना करते हैं। बोले बत्सानुचन कुचित असमय क्रोध संजात हास। कहते मैया जसोदा तुम ध्यान देकर सुना, तेरा बच्चा घर में कैसे नटखट करता है, चोरी करता है, कैसे नटखट करता है। बोले क्या करता है? बोले बत्सान मुच्चन, ये बछड़े को खोल देता है। बोले अच्छी बात है, बछड़े को खोलता, काम की बात करते। बोले नहीं, बोले असमय, समय में बछड़ा को नहीं खेलते, आज समय में बछड़े को खोल देते। बोले क्यों? कृष्णा भी सखाओं के साथ में कभी कभी मक्खन चोरी करने के लिए जाते हैं, जब देखते हैं मक्खन चोरी कैसे करे हैं, इसलिए मक्खन चोरी कैसे करे, अभी सोचते हैं जाकर के उनके। बोले अगर बछड़े को खोल देंगे ना, बछड़ा क्या करेगा? दूध पीने के लिए जाएगा। जब दूध पीने के लिए जाएगा, फिर सबके सब गोपियाँ उसको बछड़े को बांधने के लिए जाएगी। जब बांधने के लिए जाएगी, बस इतने में उनके घर में हम घुस जाएंगे, घुस करके हम मक्खन को खा लेंगे। कहते बछड़ा तो खोलता है, लेकिन असमय में, समय पर नहीं खोल करके असमय पर खोलता है। जब गोपियां चले जाते हैं ना, इतने में कृष्ण अंदर में धीरे धीरे जाते हैं, बस मक्खन चोरी करके खा लेते। बोले बसन मुछान कुचित असमय क्रोध संजात हास। जब इस चीज को देख करके हमें बड़ा क्रोध आता है, बछड़ा सारे दूध को पी लिया है, पी लिया, फिर हम लोगों को क्रोध आता है, फिर क्रोध आता है। इतने में कृष्ण, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, फिर कृष्ण भागेगा, भागे ना, कृष्ण ही भागते हैं, उनका कोई प्यार भाई जो खड़े होकर फंसते रहते हैं। कहते कृष्ण की ऐसे हंसी, जिस हंसी को देख कर हम ठगी से ठगी रह जाते हैं। इसलिए हमारे गोपी गीत में भी वहाँ पर एक श्लोक बताए, कृष्ण को जैसे कामदेव का पांच बाण है, कृष्ण का भी पांच बाण है। कहते उनको तेरे चित्तवन से देखना, उनको मीठी मीठी हंसना, उनका जो रूप माधुर्य, जो गुण माधुर्य, उनकी हंसी, इतने सुंदर कृष्ण हंसते हैं, उनकी हंसी को देख करके तो हम ठगी से ठगी रह जाते, कुछ कर नहीं पाते। इतने कृष्ण के सुंदर की हंसी है, कोई डर भय नहीं, बैठे बैठे खड़े होकर हंसते रहते हैं। गति संजात हास स्तेयम स्वादर्थ दधि पय कल्पित स्तेन जोगई। कृष्ण क्या करते हैं, जब मक्खन चोरी करने जाते हैं, कभी कभी मैया जसोदा बोलते, बोले एक काम करो, जो दही दूध है ना, उसको छिके के ऊपर रख दो, फिर लाला का हाथ ही नहीं जाएगा। कहते हम भी वो भी करते हैं। बोले फिर घर में कोई सीढ़ी क्या जीना बना करके रखो? बोले जीना बनाने का जरूरत नहीं है, परमात्मा ने तेरे लाला को इतने बुद्धि, इतने विवेक दिया, उनको तो बना देता है। बोले कैसे? बोले दाऊ भैया थोड़े मोटे, उसको नीचे बैठा देते, उसको ऊपर मधुभंग, फिर श्रीदाम, एकदम कृष्ण सबसे ऊपर छूट जाते हैं, ये चढ़ करके वहीं से मटकी के वहीं से उतार देते हैं, उतार करके सबके सब दही दूध खा लेते हैं। कभी कभी गोपियाँ, कभी कभी मैया बोलती है एक काम करना। बोले क्या है? बल जब ऐसे करते हैं, हैं, तुम नीचे मटके में कोई कोई चीज को मत रखना, ऊपर में कोई चीज नहीं रखना, बीच में रखे हुए पर तो खा नहीं पाए। कहते पहले मटकी तो पीतल और स्टील और ये नहीं होता था, सब मिट्टी का होता था। जो मिट्टी का होता था, जिसमें माल होगा ना, अपने आप पता चलेगा, क्योंकि वो गिली गिली रहेगी हैं, और जिसमें माल नहीं होगा, सूखा सूखा होगा। इसलिए कृष्ण कभी क्या करते हैं,
ऐसे डंडे को लेकर के इसे मारते रहते, माल किसमें, जिसमें माल होगा ना उसमें आवाज ही नहीं आएगा, है आवाज नहीं है, जैसे जो माल बास उसको डंडे से मारते हैं, मार करके नीचे खड़े होकर के एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने, सब चटका लेते, पूरा का पूरा खा लेते हैं, पूरा का पूरा खा लेते हैं। जैसे मरकान कहते, मरकान भक्षण कहते, क्या करते हैं कभी कभी ये बंदर को भी, कभी कभी इनको मक्खन मिश्री बंदर और कौए को भी खिला देते हैं। बोले बंदर क्यों खिलाते हैं, बोले ये सब के सब रामलीला में कहते ये बंदरों को भगवान राम ने कुछ भोजन नहीं कराए, ये बंदर लोग जंगल में रहते थे अपने आप फल फूल खा लेते थे, क्योंकि भगवान राम का राज को स्थान ही वो स्वयं जंगल में रहते थे, ये स्वयं अपना हाथों से खा पी करके प्रभु राम के लिए जुटा दिया। इसलिए कृष्ण कहते हैं रामलीला में तो तुम्हारी कोई सेवा कर ही नहीं पाए, कम से कम कृष्ण लीला था मक्खन मिश्री खिला जा उनको, कृष्ण खूब मक्खन उनको खिलाते हैं। इसलिए कहते मरकान भक्षण विभजती सचेत भांडम बिनती, कभी कभी क्या करते हैं अगर कभी कभी जाते हैं जा करके अगर देखते हैं घर में कुछ है नहीं ना, है घर में कुछ नहीं, मटकी एकदम खाली देखते हैं ना, बोले भगवान तेरे घर को सुनाई रखे, तो मटकी में सुना रखे हो मेरे लिए, तुमने मटकी में दूध दही नहीं रखे, मटकी को सुने तुम्हारे घर में ऐसे सुनाई तुम्हारे घर रहेगा, ऐसे बोलते हैं। और कभी कभी सखाओं को बोले भैया तुम लोग खाओ, लेकिन जब नहीं खाते ना बोले मैं भी नहीं खा तो खाऊंगा, ऐसे बोल करके जो मटकी को वहीं पर मटकी को फोड़ देते हैं, वहीं पर हैं मटकी को फोड़ देते हैं। और हाँ इसलिए मटकी को फोड़ कर करते हैं क्या, अगर किसी को घर में अगर देखते हैं कहीं दूध दही है नहीं कि मटकी में कुछ है, कहते कल आऊंगा अगर देखूंगा तुम्हारी मटकी में कुछ नहीं मिला ना, जलते हुए लकड़ी में आग लेकर आऊंगा तुम्हारे घर में लगा दूंगा, तुम्हारे घर में ये आग लगा दूंगा तुम्हारे घर में, हर मेरे लिए कुछ रखे ही नहीं थे, हम लोगों ने घर में मटकी को खाली करके रखे हो, दूसरे तरह से सिखा देते हैं। इसका मतलब क्या, अगर हमने भगवान को, सारा दुनिया किसने बनाई, दुनिया तो उन्हीं का है ना, ठाकुर ने बनाया दुनिया है ना, इसलिए उपनिषद कहता है ईसावासमिदम सर्वम जतकंचा जगता जगत तेन त्यक्तन भुंजिता मागृत कस्य सिद्धना, उपनिषद कहता है विश्व ब्रह्मांड में हम जो कुछ देखते हैं किसका है, बनाया किसने, दुनिया किसने बनाया, फिर क्या करो उनको दे करके ही भोजन करो, बिना दिए भोजन नहीं करनी चाहिए, उनको दे करके ही भोजन करनी चाहिए। मानो इसलिए कृष्ण कहते हैं अगर मेरे लिए कुछ नहीं रखोगे ना, इसका मतलब क्या, अगर भगवान के लिए कुछ खिलाओगे नहीं भगवान को, हैं दुनिया को खिलाओगे मेरे को नहीं खिलाओगे, इस तुम अगर अपना मटकी को ऐसे खाली रखोगे ना, फिर तो घर में आग लगा दूंगा तुम्हारे घर में, घर में आग लगा दूंगा। ऐसे कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर लीला करते हैं, और कभी कभी कुपित होगा हाँ शिशु, और कभी कभी क्या करते हैं अगर घर में कुछ नहीं मिलता है, जो बच्चे स्वयं ही किसी बच्चा होगा उसको चिमट काट देते, और बच्चा रोने लग जाता है, कृष्ण वहां से भाग जाते हैं, कृष्ण भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे कृष्ण लीला करते हैं, बल हस्ताग्राह्य रचयती विधि पाठ को लोक खलते, अगर किसी घर में जाते हैं, अगर घर में जा करके अगर उनको अगर हाथ नहीं पहुंचता है, फिर क्या करते हैं, बोले हस्ताग्रह रचयती, फिर तो अपना सखाओं को बैठा करके उसको ऊपर खड़े होकर के क्या करते हैं, कभी सखाओं को ऊपर में चढ़ करके, और कभी ये उदुखल को ऊपर में चढ़ जाते हैं, उदुखल को ऊपर में चढ़ करके बोले छिंदम हिन्नह वायु न सिक्का भांड सु तद्विधि ध्वंतागार धृत मणि गणम स्वान स्वान मंग प्रदीप। तब कृष्ण मखन मखन चोरी करके खा लेते हैं, मैया कहती है देखो अगर मेरे लाला तुम्हारे घर में मखन खाता है, एक काम करियो अंधकार घर में रख दो, अंधकार घर में रखो तो हमारे कृष्ण को तो अंधकार बहुत डर लगता है, हैं फिर तो कृष्ण अंधकार घर में घुसेगा नहीं, बोले हम को भी करके देख लिया, बोले फिर तो तुम शरीर में जो मणि हैं, शरीर में जो हीरे मुक्ते मणि उनको जो श्रृंगार करती हो, वो अंदर में प्रवेश होते ही अपने आप उजला हो जाता है, फिर कृष्ण देखने में तो कृष्ण श्याम रंग के हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण जब अंदर में प्रवेश करते जो कृष्ण का तो रंग श्याम है, लेकिन कृष्ण का शरीर से ऐसे ज्योति निखरता है,
उनका नख की छटा से ऐसे ज्योति निकलता है। शरीर ब्रह्म किसको कहते हैं? बोले जत अद्वैत ब्रह्म उपनिषद तत्पश्चात अनुभव, जिसको ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म कहते हैं, ये भगवान के अंग कांति है। भगवान के अंग की प्रकाश को ही ज्ञानी लोग उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसलिए कृष्ण प्रवेश करते ही उनका शरीर का ज्योति से ही अपने आप उजला हो जाता है, हैं? इसलिए कहते हैं स्वर्ग मर्थ प्रदीपम काल गुप्या जही गृह कृतेषु व्यग्रचिता। कहते अगर कृष्ण जाता है तुम्हारे घर में मक्खन चोरी करने के लिए, काम करो। बोले क्या काम करे? बोले तुम लोग कृष्ण को पकड़ते नहीं, उनको पकड़ लेने जाएंगे ना। बोले पकड़ ले किया। उस समय ऐसे समय जाते हैं जिस समय हमारा अपना घर का काम काज में लगे रहते हैं, वो देख देख कर जाते हैं। अगर देखते हैं अगर कोई घर का काम काज, तभी पहले किसको भेज देते देख कर क्या, तभी जिस घर में चोरी करेगा ना उसको बच्चे बोले देखा तेरे भैया क्या कर रहे हैं, और तेरी घर में पिता माता क्या कर रहे हैं। जब वो किसी काम में व्यस्त रहते हैं कृष्ण, ठीक उसी समय अंदर में कृष्ण जाते हैं और जा कर के उन्हें मक्खन को कृष्ण चोरी करते हैं। तब यहाँ पर कह रहे हैं मक्खन चोरी करते, कभी कभी गोपियां कह रहे हैं बोले देखो तुम्हारा बेटे को अगर अभी अगर बेटे को तुम नहीं समझाओगे तो फिर ये बड़े होकर के ना बड़े उत्पाती बनेगा। बोले क्या उत्पाती करेगा? बोले तो बोले चोरी करता है ऐसे नहीं है, सुनो ध्यान दे करके तुम्हारे बच्चा क्या करता है। बोले क्या करता है? बोले कभी कभी जो लड़कियां होती है ना जो लड़कियां होती हैं कभी कभी उनके कपड़े को खींचता है, कभी कभी उनको बेड़ी को पकड़ता है। बेड़ी पकड़ क्या कहती है? कहते हमसे शादी करो। लेकिन कृष्ण कितने बड़े कितने उम्र गए, अभी तो बोले चलना कृष्ण सीखे, ज्यादा कृष्ण बड़े नहीं। इसलिए कभी कभी ये शादी के लिए कहता है हमसे शादी कर लो गोपियों को, छोटी छोटी गोपियों को भी कहते हैं। बोले देखो ये बचपन में क्या कर रहा है, बाल्य में दधी चोरी करेगा, अरे जौवन में दूसरा का द्रव्य को चोरी करेगा, लेकिन जब बड़े होएगा फिर कृष्ण वत्स हरण किए हैं हाँ गोपियों की, फिर कपड़ा चोरी करेगा। इसलिए इसी बहाना में ये कह रहे हैं, इसलिए क्या करो अभी से माता जी इसको अभी से तुम शासन करके रखो, नहीं तो बड़े होकर बड़े उत्पात बनेगा। जब ये यहाँ प्रश्न होता है, जब गोपियों ने कृष्ण का नाम पर इतने बदनामी करवा रहे हैं, तुम्हारे लाला ऐसे कर रहा है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर यहाँ पर मैया यशोदा कृष्ण के बड़े शासन क्यों नहीं कर रहे? उनको शासन करना चाहिए ना, मेरे लाला ऐसे ऐसे काम करता है उसको कम से कम शासन करे। के तत्व तो ही जो गोपियाँ जाती हैं ना शिकायत करने के लिए, वो शिकायत करने के लिए नहीं जाती हैं। बोले फिर क्यों जाती हैं? शिकायत करने के लिए नहीं जाती, किस लिए जाती हैं? कहते केवल मैया यशोदा को कृष्ण जो बचपन में नटखट करते हैं उन लोगों ने तो कृष्ण को अपना घर में दर्शन कर लिया नटखट करते, लेकिन उनको जाकर के मैया यशोदा भी ये कृष्ण के लीलाओं को मैया यशोदा भी सुने और मैया यशोदा भी प्रसन्न हो सुन करके, इसलिए जाती हैं, तत्व तो शिकायत करने नहीं जाती हैं। इसलिए उसी समय मैया यशोदा इसको सुन सुन करके मैया यशोदा बड़ी खुश होती है, क्योंकि मैया यशोदा को तो सुनाने के लिए जाती है ना, मैया यशोदा भी सुने। इसलिए वहाँ पर मैया यशोदा भी निमज्जित होकर के उसको सुनते हैं और गोपियाँ भी बड़े सुंदर होकर के वो सुनाती हैं। मतलब ऐसे करते करते एक दिन किया मतलब एकदा क्रीड़मानास्ति रामात्या गोपतारका कृष्णा मृदम भक्षतवानदी मात्रा निवेदय। निकी जो मक्खन चोरी की लीला, यहाँ पर थोड़ी सी मक्खन चोरी की लीला बताए, ज़्यादा नहीं बताए, लेकिन गर्ग संहिता और दूसरे दूसरे शास्त्र में मक्खन चोरी की भी और बहुत सारी लीलाएं हम सुनाते हैं ना। कृष्ण जब मक्खन चोरी करने के लिए सोचे, कृष्ण सोच रहे हैं पहले अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ मैं पकड़े में आता हूँ, अगर अपना घर में सक्सेसफुल हो गया ना फिर दूसरे घर में भी चोरी करेंगे। एक दिन मैया को नजर को बचाती है कृष्ण अपना घर में ही, कृष्ण उखल लोगों पर खड़े होकर कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे थे और उनका जो घर था मणि स्तंभ हीरे जवाहरात से घर बना हुआ और घर का जो स्तंभ वो मणि मणि से बनी हुई। जब कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे थे इतने में कृष्ण का परछाई ये मणि स्तंभ को पड़ा, पड़ते ही कृष्ण को ऐसे लगा
अगर हमारे घर में मेरे जैसे कोई एक व्यक्ति आकर के शायद मक्खन चोरी कर रहा है, और ये तो मैया को बोल देगा। इतने में बोला, भैया देख तू भी मक्खन खा, मैं भी खाता हूँ। लेकिन मैया को बोलना नहीं, अभी परछाई को जो बोला, परछाई तो वही बोला, बोले तुम मेरे घर में आकर मेरे को उपदेश दे रहे हो। परछाई भी बोला, तू मेरे घर में आकर मेरे को उपदेश दे रहा हूँ। जब कृष्ण परछाई से झगड़ा कर रहा था, मैया दूसरे घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई नहीं है, किसको साथ में लड़ाई करना है। इतने में मैया आकर के देखा अपना परछाई से कृष्ण लड़ रहे। बोले लाला किससे तू लड़ रहे हो? कृष्ण ने देखा, मैया भी देख लिया। इतने वो छलांग लगाए, जो मणि का जो पिलर था उसको पकड़ लिया। बोले मैया मैया हमारे घर में एक चोर घुस आया है। बोले कहाँ? बोले इसको अंदर। बोले देखो कितने भोले वाले, देखो अपना परछाई को बोल रहे। इतने में बोले अगर हमारे घर में चोर घुस आया तो ये बताओ तेरे हाथ में मक्खन कैसे आ गया? बोले ये तो ये भी बात सही है, तभी बहाना क्या बना है? बोले तुमने जो मेरे हाथ में मणि की कंगन पहना दी ना, गर्म हो गया था, इसको मैं डालकर ठंडा कर रहा। बोले तो हाथ को ठंडा कर रहा था लेकिन मुंह में कैसे आ गया? भी बात सही है। बोले मुंह में चिट्ठी चल रहा था ना, उसको हटाने के लिए गया था, मुंह में मक्खन लग गया। मैया बोले जो कुछ बनाती हूँ मैं तेरे लिए बनाती हूँ, फिर तेरे को सब चोरी करने का क्या जरूरत? कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़ा जाऊंगा। इसलिए ऐसे एक गोपी रोज रोज शिकायत करती है, इसको सब लिख लो क्योंकि एकदम, इसलिए रोज रोज उन्होंने शिकायत करती है। इतने में मैया बोली देखो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी कमी है, मेरे घर में दूध दही की नदी बह रही है। कमी हो बच्चा दूसरे घर में जा करके चोरी करेगा, हमारे घर में तो कोई कमी है ही नहीं है, रंगे हाथ से पकड़वा करके दिखा दो। बोले ठीक है कल दिखा दूंगी। इतने में वो गोपी पहले से ही दूध दही को रख करके घर में कोने में छुप करके बैठ गई थी। बोले आज कृष्ण आएगा तो पकड़ करके सीधा ले जाऊंगी। अरे जब कृष्ण बिल्ली जैसे धीरे धीरे गए, जब मक्खन खा रहे थे, बोले कृष्ण मक्खन खा ले फिर तो मैं पकड़ूंगी। फिर पकड़ करके बोले चलो माँ के पास में। मैया कहती है मेरा बेटा कहीं जाता ही नहीं, रंगे हाथ से पकड़ा दो। बोले देख गोपी आज से मैं कभी तेरे घर में नहीं आऊंगा, इसलिए तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे खसम की, तेरे ननंद की, तेरे साहब की, तेरे की बिछुआ की पाँव पड़ता तो छोड़ दे। बोले नहीं चलो मैया के पास। जब ले जा रहे थे इतने में देखा घर को सामने नंद बाबा बैठे हुए, वो तो जेठ लगते हैं। बोले स्त्री स्त्री का बात दूसरे, हाँ पीछे दरवाजे से दिखा दूंगी। फिर पीछे दरवाजे से गई, जब नंद बाबा को देखा वो बच्चे को ऊपर में उन्होंने कपड़े से ढक दी, वो तो भगवान, वो तो कृष्ण है। बात ढकते ही कृष्ण उसका बेटा ही बन गए। इतने में पीछे दरवाजा से आई, बोले मैया जसोदे। बोले सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रहे हो? बोले चिल्ला रहे क्यों, तू मानती नहीं ना तेरे लाला मेरे घर में चोरी करता है, आज मैं रंगे हाथों से पकड़ करके ले आए। मैया तो उस समय कृष्ण को थप थप लगा कर सुला रही। बोले लाला तो यही सो रहा है, पकड़ कर किसको लाए? मैया आकर के देखा अपना बेटे को पकड़ करके लाए। बोले मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तो किसको पकड़? बोले तेरे बेटे को लाई। बोले इतने में अपना घूंघट उतारी, जब कपड़ा खोल करते तो उसका ही बेटा। कृष्ण अंदर से सो रहे थे, आंख मलते मलते आए। बोले मैया तू देख ली ये गोपियां कितना झूठ बोलती है, मैं घर छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, अगर ऐसे झूठ बोलेंगे ना मैं सचमुच से घर में जाकर के चोरी करूंगा। वो इतने शर्मिंदा पड़ गई, जब जा रही थी ना है इतनी जा रही थी, कृष्ण दूसरे रास्ता में घूम करके आ गए। बोले क्यों गोपी क्या बात है, कितना तुम्हारे को मनाया, तुम आनी नहीं ना, देखा तेरे बेटे को ही चोर बना दिया, कभी आईदा में कभी फिर मेरे को लाओगे ना तेरे खसम को चोर बना देगा। बोले कन्या में हार गया तो जीत गए हो। एक दिन एक गोपी सोच रही थी कृष्ण जब आते हैं मक्खन खाते हैं एक बार तो दर्शन करती हूँ, लेकिन जब भाग जाते हैं ना फिर उनका विरह में तड़पड़ाते हैं, कृष्ण को घर में बांध करके रखूंगी और कृष्ण को पास से ना खूब अच्छे तरह से निहारूंगी। इतने में जब कृष्ण गए मक्खन खा लिया पकड़ लिया, बोले आज तेरे को मैं घर में बांध करके रखूंगी। बोले गोपी मैं तो सोच रही थी अपना घर में मक्खन खा रहा था, बोले अपना घर में तेरे को मजा चखाते हो, रख खंभे के ऊपर हाथ रख। अभी कृष्ण हाथ रखे अपना चोटी से रिबन को निकाले, कृष्ण का हाथ तो बड़े कोमल है, एक लपेटे दो लपेटे फिर एक गांठ दो गांठ गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दी। इतने में हाँ नहीं उन्होंने बोले, इन्होंने बोले कृष्ण को बांधने के लिए जब गई, कृष्ण का हाथ कोमल है जब बांधने के लिए गई वो खिसक जाती बनती नहीं,
क्योंकि मखन से भी तो कृष्ण का हाथ उससे भी ज्यादा कोमल है, वो बंध नहीं रहे। कृष्ण ने कहा गोपी जीवन में कभी बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले लाला तेरे को बांधना आता है? बोले और क्या? बोले बांध करके दिखा दे। बोले हाथ रख अभी तेरे को दिखाता हूँ। बांध अच्छे तरह से, एक बार दो बार तीन बार, एक कांट दो कांट गुण कांट अच्छे तरह से बांध दिए। बोले लाला तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आवे हैं। बोले और क्या, तेरी बात छोड़ दो, मैं तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी योगियों को भी अपना प्रेम रजस में बांध देती हूँ। बोले लाला खोल दे। बोले मैया गोपी अभी तक तुम्हें किसी को खोलना सिखाई नहीं, सबको बांधना ही नहीं सिखाई, बस अंगूठा दिखाए ना तो ज्ञान भाग्य हुआ है। ऐसे ही कुछ गोपी रोज रोज ऐसे शिकायत करती है। शिकायत करने पर बोले इसको किस तरह से पकड़ नहीं पाते, पता नहीं कब आता कब भाग जाता, पता नहीं चलता है। लेकिन पता तो बड़े कब आता है। बोले क्या करो, एक काम करो, बोले ये छीके के ऊपर में एक घंटी लटका दो, बेल लटका दो, कृष्ण जब चोरी करेंगे ना बेल अपने आप बजेगी, पता चलेगा कृष्ण चोरी कर रहे, फिर तो पकड़ेंगे। जब कृष्ण आए समझ गए कुछ फांद रचाया, आज ऊपर बेल क्यों लटक रहा है। इतने में कृष्ण उससे बात किया, बोले भैया तू कौन हो? बोले मैं आपका दास हूँ। बोले मैं कौन हूँ? बोले आप मेरे प्रभु। बोले भाई पता दास का प्रभु का प्रतिज्ञा करते हो? बोले आदेश पालन करना। बोले देख जब तक मैं मक्खन खाऊंगा ना बजना नहीं, जब मैं खा करके चले जाऊंगा तो फिर बजियो। बोले ठीक है प्रभु। कृष्ण जब उतारे और बैठ कर जब खाने लगे बेल तो अपने आप बज उठी। बोले तू क्यों बज रहे हो? बोले प्रभु तेरे को पता नहीं जब तक घंटी नहीं बजती ना तेरा भोग नहीं लगता है, हैं? हम घंटी बजाते ना ठाकुर तो भोग लगता है। इतने में कृष्ण जल्दी जल्दी खाए और वहां से भाग गए। ऐसे ही एक गोपी रोज रोज बोलती थी लेकिन मैया मानती नहीं है, मैया किसी तरह से मैया मानती नहीं। बोले दिखा दो। फिर ठीक है, पता नहीं अगर हाथ पकड़ कर ले जाओ पता नहीं कैसे रूप बदला देता है। देखा तो कृष्ण को ले गए लेकिन कपड़ा ढक करके जब खोला क्या निकला, हमारा बेटा निकला। बोले इसको घर में ताला बंद करके अरे मैया को दिखाएंगे। वो गोपी गई थी पानी भरने के लिए यमुना में, आकर के देखा कृष्ण घर में बैठ करके मक्खन खा रहे। झट दरवाजा बंद करके चाबी काठी लगा करके चाबी काठी ले कर गई। बोले मैया को बुला करके दिखाऊंगी। जब घर में पहुंचा ना देखा कृष्ण कुछ नटखट कर रहे थे, मैया उनको उखल में बांध कर रही। बोले कृष्ण को तो मैंने वहां बंद करके आया, घर में कैसे बंधा पड़ा हुआ? क्या ब्रज में कृष्ण दो दो हो गए हैं? वो आश्चर्य बात जब उन्होंने दूसरे घर में बताने के लिए गए, देखा उसको बच्चे को साथ में खेलते हुए, क्या क्या कृष्ण तीन हो गए। उसको जब तीसरे गोपी को बोलने के लिए गए ना, वहां पर देखे उसकी बच्चे को साथ में कृष्ण खेल रहे, किसको किसको गोद में बैठा रहे, कहीं मक्खन खिला रहे। जिस घर घर में जाए उसी घर में ही कृष्ण को अलग रूप में लीला करते हुए देखे। इतने में तो देख करके गोपी वहीं पर धनुष हो, मैं क्या देख रहे हूँ, घर घर में कृष्ण लीला कर रहे हैं घर घर में। इतने में जब होश आए ना, कृष्ण कहते गोपी तुम लोग मेरे को आज मेरे अंगना में आई हो, नंदलाल आई हो, गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया सा, तुम लोग मेरे को बड़े प्यार से बड़े प्रेम से तुम लोग मेरे को बुलाती हो, बताओ मैं आऊं नहीं कैसे, हैं? ये मत समझो चलो तुम्हारे घर में मैं रोज आता हूँ। ऐसे ही हर घर घर में रोज रोज में लीला करता हूँ, इसलिए कृष्ण ऐसे ही हर घर घर में प्रभु मखन चोरी करते हैं। हाँ कृष्ण मक्खन चोरी क्यों करते हैं हम कथा सुना थे ना, इसका नाम मक्खन। मक्खन मतलब क्या? मक मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। कृष्ण किस चीज को चोरी करते हैं? जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं, कृष्ण उसी को ही चीज चोरी करते हैं। किसके हृदय में नहीं? कभी ब्रज गोपियों का हृदय में नहीं, क्योंकि संत हृदय नव नीत समाना, संतों का हृदय ही ये मक्खन जैसे। और संतों में जो सर्वश्रेष्ठ साधु है ये ब्रज गोपियां, संतों की चरम है, संतों की भक्तों का चरम सर्वश्रेष्ठ, ऐसे भक्त जगत में कुछ कोई नहीं। इसलिए कृष्ण वहां चोरी करने नहीं, उनके हृदय को प्रभु चोरी करने जाते थे। चोरी कौन करता है? जिसके घर में कमी हो, हैं? चोरी कर जिसके घर में कमी हो तो चोरी करेगा ना, तो दुनिया का मालिक उसको क्या चोरी करेगा। इसलिए हम उदाहरण देते हैं ना, कैसे मक्खन बनता है, कैसे पहले दूध ले आ उसको गर्म 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 करना, मतलब क्या? जब हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगेगी, गर्म हो गया फिर उसमें जमन डालो। बोले जमन क्या है? जब उत्कंठा जगेगी सदगुरु से जो हम भगवत मंत्र प्राप्त करते हैं यही जमन है।
अभी मंत्र मिल गया, जमन डाल दे, फिर दही जम गया, उसके बाद में मंथन करो। मंथन मतलब क्या? साधन करेंगे। जब साधन करेंगे, एक तरफ में मक्खन, दूसरे तरफ में छाछ। कहते मक्खन क्या है? बोले प्रेम। जब हम साधन करेंगे, हृदय में जब प्रभु का प्रति प्रेम प्रकट होगा, ठाकुर जी आकर के भक्तों का प्रेम का आस्वादन करते हैं। ठाकुर जी हर घर घर में प्रभु सुंदर सुंदर लीला करते हैं। ये मक्खन चोरी के तात्पर्य है, इसलिए गोपियां कहती है ना, हाँ है। इसलिए एक दिन मैया जसोदा बोले, बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले क्यों? बोले बताओ कैसे शादी होगा, पूरा ब्रज में हल्ला हो रहा है, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा? लगता है जितने पर कुआर कुआर रह जाओगे। कृष्ण ने देखा, गड़बड़ी तो हो गई। बस कृष्ण ऐसे एग्जाम्पल कृष्ण दिए, जिससे मैया को विश्वास क्या हो गया, मेरे लल्ला किसको घर में मक्खन चोरी नहीं करता है। उस भजन किया है, मैया मोरी मैंने ही मां खायो, भोर भयो गई अन को पाछे, मधुबन मोहे पठायो। सुन मैया मोरी मैंने ही मां खायो। भजन आप जानते हो, कृष्ण कैसे सुंदर सुंदर उदाहरण दिया। बोले भोर होते ही मधुबन भेज दिया, दिन भर गया चराते चरते आया, तेरे गोद में सो गया, बता मैंने मक्खन कब चोरी की। बोले सखा लोग बोलते हैं, कहते मैं बालक बहन के छोटो काहे विधि छिके पायो हैं। बोले ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, बरबस भूख लिखता है। इन लोगों ने खुद खुद खाते हैं और जोर जबरदस्ती दूध दही लेकर मेरे मुख में लपटा कर लगा करके मेरे को चोर बना देते हैं। कहते इतने में कहते मैया लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, लगता है किसने मेरे को जन्म देकर कहीं फेंक दिया था, तुमने ला करके मेरे भरण पोषण कर रही हो। क्यों? दुनिया भी मेरे को मक्खन चोर कहता, तू भी कहती हो। बस मैया का हृदय द्रवीभूत हो गया, मैया ने गोद में उसको फिर पकड़ ले, तुम्हें लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की। फिर कृष्ण क्या कहते हैं? बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे। ठीक है, इस सब छोटी छोटी कथा को सब याद कर लेना। हरे कृष्ण, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। कुशागर एक भजन का, हरे हरे माइली राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज मेरे अंगना में आयो गोपाल, आयो नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। Thank you.
जय। लेकिन अब तो वहां बहुत रात है।